भारतीय तेज गेंदबाजी इस वक्त दुनिया की सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी में गिनी जाने लगी है। जसप्रीत बुमराह की गैर मौजूदगी में मोहम्मद शमी इसकी अगुवाई कर रही हैं। शमी ने दक्षिण अफ्रीकी सीरीज में भी दमदार प्रदर्शन किया था और अब बांग्लादेश के खिलाफ होलकर स्टेडियम में खेले गए पहले टेस्ट मैच में भी उन्होंने कुल 7 विकेट लिए। शमी के इस परफॉर्मेंस की पाकिस्तान में भी जमकर चर्चा हो रही है। वहाँ के कई बड़े अखबारों ने शमी के बारे में लिखा है और उनकी परफॉर्मेंस के बारे में लिखा है और लिखा है कि कैसे वो अपने देश को जिता रही हैं। पाकिस्तान के द न्यूज इंटरनेशनल ने तो इनकी तारीफ पर काफी बड़ा आर्टिकल भी छापा है। मैच के बाद हर्षा भोगले से बात करते हुए ईशांत शर्मा ने कहा था कि शमी इस समय जो कर रहे हैं और जिस तरह का परफॉर्मेंस दे रहे हैं वो अपने आप में काफी बेहतरीन है। ईशांत कहते हैं कि शमी कहीं से भी गेंद डाले विकेट ले ही जाते हैं। ईशांत ने मजाक में कहा कि मैं शमी से पूछता हूं कि वो ऐसा क्या कर रहे हैं, पैड पर गेंद लगती है तो आउट कर देता है, बल्लेबाज पुल मारता है तो आउट हो जाता है, मैं शमी से पूछ रहा हूं कि ऐसा क्या कर रहा है, हमें भी क्यों नहीं बताता, हम तो बीट करा करा कर परेशान हैं, ऐसी कौन सी चीज है जिसे हमें आजमाना चाहिए। ईशान के इस मजाक पर शमी ने जवाब दिया, मेरे दिमाग में रहता है कि मैं कोच और कप्तान की तरफ से फ्री हूँ, बाकी आप सब लोग हैं जो मुझे फ्री रहने देते हैं और ज्यादा सोचने नहीं देते, जो टेस्ट मैच में करना चाहिए वही सब मैं कर रहा हूँ, मैं गेंद को अच्छे टप्पे पर रख रहा हूँ और आप मेरा काम आसान कर देते हैं। इस पर ईशान ने कहा कि हम भी वही कर रहे हैं दोस्त, हम पूछ कुछ और रहे हैं और तुम जवाब कुछ और दे रहे हो, हम भी अच्छे एरिया में गेंद डाल रहे हैं लेकिन तुम मारते हो पैड पर तो नीचे लग जाती है, हम मारते हैं तो मिस हो जाती है, ऐसा क्यों। शमी ने हंसते हुए जवाब दिया, देखो लोगों का कहना है कि ये सब बिरयानी का कमाल है और इसके अलावा मुझ पर अल्लाह का करम भी है। भारत ने पहले मैच को जीतकर 2 मैचों की सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली है। दूसरा मैच 22 से 26 नवंबर के बीच कोलकाता के ईडन गार्डन में खेला जाएगा, जो दोनों टीमों के बीच पहला दिन रात का टेस्ट मैच होगा। अब देखना होगा कि शमी की परफॉर्मेंस वहां कैसी रहती है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।